नेताजी सुभाष प्लेस में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में दिल्ली की साइबर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाश श्रीकांत रेड्डी और उसके साथी एक बाइक चुराकर भाग रहे थे, तभी पुलिस से सूचना मिली और पुलिस ने आगे उसे उसी नंबर बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग करते हुए एक गोली बदमाश को लग गई। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी की महिला साथी मौके से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल लगी है और साथी आरोपी की तलाश की जा रही है। तो दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी।